नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, DSSSB की तरफ से आई हुई न्यू गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट 2024 के लिए आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। अगर आप आवेदन कर चुके हैं तो अच्छी बात है, पर आप एलिजिबल हैं, आवेदन नहीं कर पाए हैं तो अंतिम मौका है, आवेदन कर दीजिए। दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आई हुई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली ही रहेगी। बाकी दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं किस रिक्रूटमेंट की यहाँ बात हो रही है और कब से कब तक आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, DSSSB की तरफ से 20 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/23। इनके लिए 5 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि 3 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। हाँ जी दोस्तों, आज 1 जनवरी 2024 है, तो दोस्तों अब सिर्फ 2 दिन का और समय है आपके पास। अगर आप एलिजिबल हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई हुई है। पोस्ट कोड है 801/23, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से वैकेंसी है। कुल 80 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। इनके लिए क्वालिफिकेशन ये देखिए, मास्टर्स डिग्री सोशल वर्क में आपने कर रखी हो तो आप एलिजिबल हैं, या फिर मास्टर ऑफ आर्ट सोशोलॉजी में आप हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्राइमिनोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ये आपने कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये 3 ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल है 9300 से 34800, ग्रेड पे 4200 का, ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजटेड पोस्ट है। अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 साल यहाँ निर्धारित की गई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। ₹100 एप्लीकेशन फीस है। वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST PWBD और एक्स सर्विस मैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। जहां तक एज रिलैक्सेशन की बात है, SC ST को अपर एज लिमिट 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD को 10 साल, PWBD SC ST को 15 साल और PWBD OBC को 13 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन को पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। तो दोस्तों, ये एक रिमाइंडर कॉल है आप लोगों के लिए। आवेदन नहीं किया है तो अब भी आप आवेदन कर सकते हैं, 2 दिन का आपके पास समय है अगर आप एलिजिबल हैं तो।